बाकी क्या आतिशबाजी के लिए बाहर सारे लोग आ जाएं, इस पे तो ज्यादा हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू द चैनल। सो बहुत दिनों से व्लॉग नहीं आ रहे थे, तो मेरा एग्ज़ाम चल रहा था, फिर नोएडा से मणिपुर आना था पापा के पास, तो अभी मैं आई हूँ। दो तीन दिन पहले मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, यहाँ पे मैं 27th को आई थी। ट्रैवल व्लॉग मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि एक मैंने ऑलरेडी डाल रखा था, तो मैंने कहा कि बोरिंग हो जाएगा, इसलिए मैंने कहा कि आज दिवाली है, छोटी दिवाली, तो हम रंगोली वगैरह बनाएंगे, वो आपको दिखाएंगे कैसा रंगोली हम बनाते हैं। बाकी हैप्पी छोटी दिवाली टू यू ऑल, अच्छे से एंजॉय करिए दिवाली को, अच्छी अच्छी रंगोलियाँ बनाइए। सो आज हम बनाएंगे, मैं और मम्मी, सो आपको दिखाएंगे कि कैसी रंगोली बनती है। अभी मैं जा रही हूँ नहाने, तो मैं आपको मिलती हूँ नहाने के बाद। बाय बाय द वे गाइस, ये मेरा रूम ऊपर है, तो वहाँ से ये व्यू है, सामने पहाड़, ऊपर बादल, नीचे कुछ कुछ। अभी तो आए थे हम यहाँ पे, तो कुछ कुछ तो दिवाली की तैयारी कर ली है जितना यहाँ पे हो सकता था। बाकी जब पंजाब जाएंगे दिसंबर में, वहाँ पे पोस्टिंग हुई है, तो वहाँ पे अच्छे से सेट करेंगे। बाकी ये तो पीसफुल सा लगता है, अगर कोई किसी को शांति में रहना है, दिल्ली वगैरह से लोग आते हैं, तो हम यहाँ पर आराम से रह सकते हैं, मज़ा आएगा उनको। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ नहा के। और हाँ गाइज, मुझे एक चीज़ और याद आया, आप लोग मुझे ये बताइएगा कि मैं डेली व्लॉगिंग करूँ या जैसे अभी व्लॉग्स डालती हूँ वैसे ही डालूँ। कमेंट करके बताइएगा कि मैं डेली व्लॉग्स बनाऊँ या जैसे डाल रही हूँ वैसे ही डालते रहूँ। हेलो गाइज, तो मैं नहा के आ गई हूँ, सो यू कैन सी द ट्रांसफॉर्मेशन बिना नहाए और नहाने के बाद। मैं कहा थोड़ा तैयार हो जाती हूँ, ऐसे तो यूजली नहीं होती हूँ जब घर पर रहती हूँ। मैं कहा थोड़ा तैयार होती हूँ, रंगोली वगैरह बनाऊंगी, और यहाँ पे हमारे ग्राउंड में भी होता है दिवाली, तो इस बार पापा ने ऑर्गेनाइज़ करवाया, तो शाम को देख के आएंगे कि तैयारी वगैरह हो गई है कि नहीं है। कल कोई शायद MLA भी आने वाले हैं, उनको इनवाइट किया है, सो ही विल बी द गेस्ट। और इधर पीछे गार्डन है, मैं दिखाती हूँ, रुकिए आपको। ये तो आपने देखा ही था उस समय, अभी इधर ये देखिए, शाम को जब लाइटिंग होगी ना तब मैं आपको दिखाऊंगी, और इतना बढ़िया लगता है, ब्यूटीफुल। गाइस चलते हैं, जल्दी से खाना खाते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ, फिर देखते हैं अभी आगे का प्लान क्या है। तो मैं जल्दी से खाना खा के आती हूँ। तो गाइस खाना खा लिया है, अभी 6 बजे जाएंगे वहाँ पे देखने की कैसे ऑर्गेनाइज वगैरह किया है, तो मैं आपको तब मिलूँगी। अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा रेस्ट करने, फिर उसके बाद वहाँ जाएंगे, वहाँ से आएंगे, तो उसके बाद फिर यहाँ रंगोली वगैरह बनाएंगे, तो उसके बाद आपको व्लॉग इंटरेस्टिंग लगेगा, तो मैं आपको मिलती हूँ उस समय। तो गाइस ये देखिए ऊपर का व्यू, लाइटिंग जो है, बाकी अभी हम चलते हैं ग्राउंड में, देख के आते हैं क्या है, चलिए आपको भी दिखाते हैं। Here's our car. Guys, ये है पापा का ऑफिस। गाइस ये है देखिए, ये पूरा सेटिंग एरिया है, वहाँ सामने भी सेटिंग एरिया, वहाँ स्टेज, वहाँ कुछ कुछ प्रोग्राम के लिए, सॉरी स्टेज इधर है, उधर शायद VIP के बैठने के लिए।
इधर देखिए गाइस, ये तालाब है यहाँ पे पीछे, जहाँ पे कि पहले मछली भी पकड़ी जाती थी, लेकिन अभी मछलियाँ नहीं है। बढ़िया है, यहाँ पे पानी रहेगा, आग वाग लगेगी तो यहीं से पानी निकाल के सीधा मारने में बढ़िया रहेगा ना गाइस। यहाँ पीछे तालाब है तो पटाखे जो भी लोग फोड़ेंगे, अगर कुछ आग वाग लगने का होगा तो सीधा यहीं से पानी निकाल के बाल्टी में मारेंगे, आग वहीं बुझ जाएगी, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी क्या आतिशबाजी के लिए बाहर सारे लोग आ जाएं, इसको तो ज्यादा बाहर का लुक तो गाइस ये रहा कलर, और इधर यूट्यूब पे मम्मी देख रही हैं कि क्या कैसा डिजाइन बनाना है, तो हम फिर शुरू करके आपको दिखाते हैं।